ऑब्जेक्टिव 45 से पहले सब्जेक्टिव शीट नंबर 48, सब्जेक्टिव शीट नंबर 48 और सब्जेक्टिव शीट नंबर 49, सब्जेक्टिव 48 एंड 49 आपका होमवर्क है, एनसीईआरटी की शीट्स हैं। मैंने इसलिए नहीं करवाई क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करके देखना है। एक में शीट में लगेगा ऑर्बिटल वेलोसिटी और एक शीट में क्या लगेगा, एस्केप वेलोसिटी। तो दोनों हमने कर लिए, ये आपने ट्राई करने हैं, अगली बार इसके डाउट्स होंगे। फिलहाल यहाँ से शुरू करते हैं। अ प्रोजेक्टाइल अटेन्स एस्केप वेलोसिटी व्हेन, एक प्रोजेक्टाइल एस्केप वेलोसिटी अटेन कर ली तो मैंने क्या बताया था, मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल बिकम्स सेम। समझ में आ रहा है ना? तो ये पहला वही पॉइंट है, नहीं तो हम सोच ना पाते इसमें कैसे होगा। अगर सोचना भी है तो ये तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हो। काइनेटिक क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू आपके सामने है, एस्केप पुट करके देख लो तो ये एनर्जी पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड के इक्वल ही आएगी। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ सेटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, मास ऑफ सेट। भाई कहीं पर भी मास ऑफ सेटेलाइट मैटर करता ही नहीं है, जो मर्जी चीज निकाल लो मास ऑफ सेटेलाइट आएगा ही नहीं, तो इसलिए मास ऑफ सेटेलाइट से इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी आपने अर्थ की सरफेस से फायर करना है कोई ऑब्जेक्ट या उसके ऊपर गिरना है तो एनर्जी कंजर्वेशन है। तो आपने क्या किया, रॉकेट को फायर किया विद स्पीड ऑफ 2√gr और स्पीड जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या होगी, ये निकालना है। तो क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, वेलोसिटी हमें पता है, यहां पे इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या है, जीरो। तो यहां पर पोटेंशियल कितनी है सरफेस पे, -gma/R। काइनेटिक कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पर पोटेंशियल क्या है, जीरो, और काइनेटिक क्या है, हाफ एम वी डैश स्क्वायर। सॉल्व करो, वी डैश मार्क करो, ये कैलकुलेशन आनी चाहिए सबको। पेन लो, इसे सॉल्व करो और वी डैश मार्क करो। वी डैश स्मॉल जी की फॉर्म में है, जहां जहां कैपिटल जी एम दिखेगा वहां स्मॉल जी आर स्क्वायर को पुट करना पड़ेगा। तो यहां से सॉल्व करो, इसका स्क्वायर करो और एम 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 कट करो, और जहां कैपिटल जी एम है वहां स्मॉल जी आर स्क्वायर पुट करके आंसर मार्क करो, और बाकी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते जाओ। तो निकालो वी डैश, निकालो क्या होगा, यहां पे पोटेंशियल इतनी है, काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल जीरो हो जाती है, काइनेटिक हाफ एम वी डैश स्क्वायर है, वी डैश निकालने को कह रहे हैं। अब लो सॉल्व करो वी डैश, कितनों का आंसर आ गया ये। तो इसमें पुट करना पड़ेगा कैपिटल जी एम को स्मॉल जी आर स्क्वायर, जब पुट करेंगे सॉल्व करेंगे वी डैश की वैल्यू आएगी। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ एंड रीच इज अ हाइट ऑफ 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर क्या होता है, आर। तो सरफेस से आर डिस्टेंस ऊपर प्रोजेक्टाइल गया, ये बॉडी गई, सॉरी आर रेडियस है, और तुमने वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, आपको बताना है कि वी की वैल्यू क्या है। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो। लगाओ एनर्जी कंजर्वेशन, सरफेस के ऊपर -gma/R और काइनेटिक कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर। इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक कितनी, जीरो, और पोटेंशियल कितनी, -gma/2R। R प्लस R कितना है, 2R। इक्वेट करो इन्हें प्लीज, इक्वेट करके सॉल्व करो क्या आंसर आ रहा है। 7.8 आ रहा होगा वैसे, अप्रोक्सीमेटली 8 बोल रहा है, ऐसा ही है।
तो प्लीज़ सब सारे स्टूडेंट सॉल्व करो, अगर ये अभी सॉल्व नहीं होगा ये टेस्ट में बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा। इसकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसको देखना मत, इसको प्रॉपर सॉल्व करो। तो तुम छोटे मास छोटा मास छोटा मास को तो कैंसिल ही कर लोगे, और कैपिटल जीएम को जब आप सॉल्व करोगे इन दोनों को तो ये टर्म आएगी, कैपिटल जीएम को जीएम मत रखें, एंड में स्मॉल जी आर स्क्वायर पुट करें, क्योंकि आपको मास ऑफ प्लैनेट नहीं पता। तो यहाँ से सॉल्व करके आपके पास ये आंसर आएगा जी आर। जी 10 है, अच्छा फिर 10 के हिसाब से कितना आ रहा है, 8 ही आ रहा है, अच्छा फिर तो डायरेक्ट आ गया, ठीक है। अगर 10 लेना है फिर तो 8 आई गया आंसर, सही है। 9.8 के साथ अलग आ रहा है, 10 के साथ अलग आ रहा है, बट मेथड समझ में आ रहा है कि करना क्या है। जो भी क्वेश्चन करोगे उसमें कैपिटल जीएम ज़रूर आएगा, और उसको एंड में कैपिटल जीएम को स्मॉल जी आर स्क्वायर पुट करना ही करना है, ठीक है। तो उससे कैलकुलेशन सही बैठेंगी। ठीक है, कैलकुलेशंस क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। मैंने आंसर गलत मार्क कर रखा है सी, इसका आंसर सी नहीं है। क्या आंसर आ रहा है? बी आ रहा है, मुझे लग रहा है बी आएगा। कैसे? रेडियस ऑफ अर्थ, ये अर्थ है और ये सन के आसपास घूम रही है, और कितने रेडियस में घूम रही है? कैपिटल आर। टाइम पीरियड कैपिटल टी है, कैपिटल टी है। चलो मान लेते हैं इसका मास स्मॉल एम है और सन का मास कैपिटल एम है। आपको मास ऑफ सन निकालना है। जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरे, नीचे से ऊपर गिरे, तो एनर्जी कंजर्वेशन है, और अच्छी भली जब घूम रही है तो सेंटीपेटल फोर्स है। तो बी है, इसके अंदर जी एम एम बाई कैपिटल आर का स्क्वायर इज, क्योंकि तुम्हें कैपिटल टी भी चाहिए तो बेस्ट तरीका बताऊं, एम आर ओमेगा का स्क्वायर यूज कर दे, खत्म। यहीं से कैपिटल टी बाहर आ जाएगा। आज बताया था मैंने सेंटीपेटल फोर्स है, मेरे को फॉर्मूला याद नहीं रहेंगे बहुत दिनों बाद, तो तुम कम से कम फॉर्मूलाज पे खेलना, क्योंकि एक साल बाद तो तुम्हें एक मैं तुमसे ये पूछूंगा ना कि पोटेंशियल काइनेटिक की टोटल एनर्जी कितनी है, तुम्हें ये भी याद नहीं रहेगी एक साल बाद। बहुत देखो एकदम सीक्वेंस चेंज होने वाला है, अभी तुम्हें लग रहा है अभी मैकेनिक्स चल रही है, अभी जब प्लस टू स्टार्ट होगी बिल्कुल चार्ज के ऊपर बेस्ड है, बिल्कुल मतलब 6 महीने ऐसे चार्ज चलते हैं ये सब भूल ही जाता है। तो कहने का मतलब कि आप वो टेक्निक अपनाओ जिसमें कम से कम याद करना हो, बात खत्म। और मेरे को तो यही ठीक लगती है। तो ये देखो कैपिटल जी एम बाई आर क्यूब कर देते हैं, और ओमेगा की जगह 2π बाय कैपिटल टी कर देते हैं, और सॉल्व करके यहां से कैपिटल एम निकाल लो। बी ऑप्शन आ रहा है, ये नहीं आ रहा, बी आंसर है इसका। दो ही चीजें आती हैं, या तो एनर्जी कंजर्वेशन या सेंट्रीपेटल फोर्स, बस तीसरी चीज ही नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? देखता हूं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है तो ये एनसीईआरटी का मेंस नीट में तो पता नहीं कितनी बार आया हुआ है, खुद नहीं पता, कम से कम 5-5 बार तो आया ही हुआ, इतना इंपॉर्टेंट है, चेंज कर करके देते रहते हैं। वो कह रहे हैं कि एक प्लैनेट है और वो रिवॉल्व कर रहे हैं सन के आसपास, टाइम पीरियड कैपिटल टी है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स दो प्लैनेट्स की कैसे प्रोपोर्शनल है आर की पावर -5/2। देखो न्यूटन का फॉर्मूला तो ये नहीं कहता, न्यूटन का फॉर्मूला ये कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो जी एम एम बाई आर का स्क्वायर है, यानी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर -2 है। ये है न्यूटन का लॉ। लेकिन ये क्या कह रहा है? आर की पावर -5/2, ये कह रहा है जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर -5/2 है। तो डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये टर्म आएगी,
न्यूटन का लॉ ही फेल किया कर दिया, इसने चेंज कर दिया एकदम, और यहाँ पर एक नया फॉर्मूला बन गया के लगा लेना कांस्टेंट, ये गिवन है। अब आपको ये पूछ रहा है कि अगर ये फोर्स, अगर ये फोर्स ली जाए तो टाइम पीरियड का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है? आपको क्या आता है, फोर्स इज सेंट्रिपिटल, एक ही चीज आती है आपको और कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि प्लैनेट घूमेगा सर्कल में और ये फोर्स क्या प्रोवाइड करेगी, सेंट्रिपिटल। और मैंने जानबूझ के एम आर ओमेगा स्क्वायर लिया क्योंकि मेरे को टाइम पीरियड चाहिए होगा, तो मैंने जानबूझ के एम आर ओमेगा स्क्वायर करके 2 पाई यहाँ आर को नीचे ले गया, 5/2 + 1 कितना हो गया 7/2, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी 2π/T, मास तो चलो कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल में बन गया। और यहाँ से सॉल्व करके डिनोमिनेटर में क्या आ गया T² और आर की पावर 7/2, तो T² प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 7/2, और उसने यही पूछा T² किसके प्रोपोर्शनल है, आर की पावर 3.5। तो ये एक बार इस पॉइंट को एक बार आराम से देख लें प्लीज, कैसे किया, ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे, वो फोर्स कुछ भी चेंज करता रहेगा और कुछ भी वैल्यू पूछता रहेगा। क्लियर है यहां तक? मैंने कहा ओके, क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, कैसे आंसर देना है इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ट्राई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। में क्या गिवन है, कितनों का आ गया आंसर आर, क्या क्वेश्चन है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विद स्पीड इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एस्केप वेलोसिटी। सैटेलाइट किस वेलोसिटी से घूम रही है, एस्केप वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, हाफ द एस्केप। वो क्या कह रहे हैं, हाइट बताओ कितनी है, क्या लगाएं, कितने लोगों के माइंड में एनर्जी कंजर्वेशन आ रहा है? गलत है, सैटेलाइट गिर रही है नीचे जमीन पर, नहीं गिर रही, घूम रही है, सेंट्रिपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या बोला, अगर नीचे गिर गया कोई ऑब्जेक्ट या ऊपर चला गया, एनर्जी कंजर्वेशन है, और अगर ऑर्बिट में घूम रहे तो सेंट्रिपिटल है। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना पड़ेगा, ये हाफ दी एस्केप के साथ घूम रही है, एच हाइट पे घूम रही है, तो ग्रेविटेशनल पुल कितना है, gmm/r + h का होल स्क्वायर, और सेंट्रिपिटल सेटेलाइट का कितना है, मास ऑफ सेटेलाइट वेलोसिटी ऑफ सेटेलाइट का स्क्वायर अपॉन r + h, mv² / r। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है, और प्लीज सेंट्रिपिटल में मास ऑफ सैटेलाइट यूज करना, क्योंकि उसको चाहिए सेंट्रिपिटल, सैटेलाइट को चाहिए। तो ये रहा ग्रेविटेशनल और ये रहा सेंट्रिपिटल, तो m से m क्या हो गया, कैंसल। तो यहां से एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √g बड़ा मास बड़ा आर, ये प्लैनेट का मास है, और इसका क्या है, होल स्क्वायर, और हाफ का भी स्क्वायर। अब अपना पेन को लगाओ और प्लीज तुमने ही सॉल्व करना है, और h निकाल लो, और जहाँ कैपिटल जी एम है एंड में स्मॉल जी आर स्क्वायर पुट कर सकते हो, कैपिटल जी एम को स्मॉल जी आर स्क्वायर पुट करके सॉल्व करो और हाइट की वैल्यू निकालो, आर आ रही है। तो घूमते हुए ऑब्जेक्ट के लिए सेंट्रिपिटल, और गिरते हुए और ऊपर जाते हुए ऑब्जेक्ट के लिए एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक।
हाँ निकाल सकते हो, ऑर्बिटल के साथ इक्वेट करके वी बाई टू ना कर सकते हो, पर मैं फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, मैं चाहता नहीं हूँ याद करना एक्चुअल, मैं वो चीज़ करूँ जो लास्ट 2 साल तक मैं बिना फॉर्मूले के चलता हूँ। तो कितनों का आ गया एच इज इक्वल टू आर आ गया, तो यहाँ से स्क्वेरिंग कर लेना, जी एम से जी एम कैंसिल हो जाएगा और फिर सॉल्व करके एच आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कॉन्टिन्यूशन में है। क्या है क्वेश्चन? अब ये सेटेलाइट घूम रही थी और सडनली रुक गई, सबसे पहली चीज क्या करना, उसकी वेलोसिटी जीरो करना। क्या वो सेटेलाइट अब वहीं खड़ी रहेगी? ना, अब वो सीधा अर्थ पे नीचे गिरेगी, क्योंकि घूम रही है तो घूम रही है, नहीं घूम रही तो फिर नीचे गिरना है उसको, ग्रेविटेशनल पुल नीचे खींच लेगा। आपको बताना है किस वेलोसिटी से अर्थ को उसने हिट किया। अब क्या लगेगी? एनर्जी कंजर्वेशन, मैंने बोला ना, अब एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि सैटेलाइट अब घूम नहीं रही, अब नीचे गिरेगी, तो वेलोसिटी जीरो से गिरेगी, तो ये एच आर के इक्वल था, अभी हमने प्रूव किया था। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितनी है? माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच को मैं आर पुट कर लूंगा, काइनेटिक जीरो है। सरफेस ऑफ अर्थ पे गिरते पोटेंशियल माइनस जी एम एम बाई कैपिटल आर है, और काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर है। इक्वेट करो, एच को आर पुट करो और निकालो वी क्या आ रहा है। कैलकुलेशन करना सीखो, अगर ये देख के भी नहीं होंगी तो पेपर में कभी भी नहीं होंगी। लगाओ पेन को हाथ और आंसर निकाल लो एंड टू एंड, ताकि आदत हो इन टाइप की कैलकुलेशंस की। गया नेक्स्ट, कितना आ रहा है? एट रूट रूट जी आर आ रहा है क्या? मेरे को तो वैल्यू याद है, रूट जी आर की 8 होती है। अभी दो बार कर तो लिया, रूट जी को 10 पुट कर दो, आर को 6400 किलोमीटर, तो 8 ही आएगा आंसर। पिछले क्वेश्चन का कॉन्टिन्यूशन है ना, हाइट ऑफ सेटेलाइट आर थी ना, तो फिर एच को आर पुट करेंगे। यहां तक तो यहाँ से सॉल्व करके v की वैल्यू निकाल लेना, v की ये वैल्यू आएगी, और फिर कैपिटल जी एम को स्मॉल जी आर स्क्वायर पुट करके वही 8 के आसपास आंसर आएगा, 7.8 या 8। मेथड क्लियर है कि करना क्या है, बस ये देखो आप, क्योंकि आज मैं होमवर्क दूंगा आपको, करने के लिए बहुत काम है आपके पास आज, तो आप पहले सीख के जाओ, क्योंकि सीख के जाओगे तभी अप्लाई करोगे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ग्रेविटेशनल पुल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ही होती है, फोर्स, हाँ पुल फोर्स होती है। तो हो गया आंसर आ गया। देखो उसने क्या बोला, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन या फोर्स वेरीज इनवर्सली एज अ डिस्टेंस ऑफ अर्थ। इनवर्सली क्या होता है? एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का मतलब आर की पावर क्या है? 1। ये फॉर्मूला है, तो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ कहता है ये फॉलो करो। और क्या निकालो? तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इन सच अ केस, ऑर्बिटल वेलोसिटी वो कह रहा है nth पावर ऑफ डिस्टेंस है, आर की nth पावर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको ये बताना है कि आर की पावर क्या होगी, तुम ऑर्बिटल वेलोसिटी तो निकालो। तो पहले तुम यहाँ कांस्टेंट के लगाओ, ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे निकलेगी? ये ग्रेविटेशनल पुल सेंट्रीपेटल प्रोवाइड करेगी एम वी स्क्वायर बाई आर, तो यहाँ से आर और आर कैंसिल, आर तो उड़ ही गया, तो जो वेलोसिटी आएगी उसमें आर तो आएगा ही नहीं,
तो आर की पावर क्या आएगी, जीरो। जब आर आएगा ही नहीं तो आर की पावर जीरो, आंसर मार्क कर लेना जीरो। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक। टेंथ क्वेश्चन, बॉल ऑफ मास एम इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ विद वेलोसिटी एन टाइम एस्केप वेलोसिटी, मतलब एस्केप वेलोसिटी पे ग्रेविटेशनल पुल क्रॉस हो जाता है, एन टाइम में क्या होगा, पक्का क्रॉस होगा, बट एन इज लेस देन वन, मतलब फ्रैक्शन है, तो हाफ ऑफ एस्केप है, मतलब एस्केप से कम है वेलोसिटी, तो यानी कि ये बॉडी एस्केप नहीं होगी। तो वही तो पूछ रहा है, अगर एस्केप नहीं होगी तो हाइट बता दो कितनी अटेन करेगी, तो एच हाइट पर आके रुकेगी, इसका मतलब एस्केप नहीं कर पाएगी, तो पुट ऊपर जा रही है एनर्जी कंजर्वेशन, तो यहाँ पर सरफेस के ऊपर माइनस जी एम एम बाई आर, और काइनेटिक कितनी है, हाफ एम एन इंटू वी ई का स्क्वायर, यही क्वेश्चन में गिवन है। और हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच, काइनेटिक क्या है, जीरो। राइट, करो इक्वेट करो और एस्केप को पुट करो अंडर रूट ऑफ टू बड़ा जी बड़ा एम बाय बड़ा आर, निकाल लो, यहाँ तक आंसर निकालना आना चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपको, टेस्ट में आंसर नहीं आएंगे अगर ये कैलकुलेशन नहीं आई तो। कंप्लीट करो इसे। स्क्वेयरिंग करनी है, समझ में आ रहा है ना, एम एन स्क्वेयर तो आ गया, इसकी स्क्वेयरिंग में अंडर रूट हट गया, जी एम जी एम जी एम सब कैंसिल हो गया, तो आपके पास यही क्वेश्चन यहाँ तक आ गई, चेक करो एच निकालना है यहाँ से, आया आंसर। हाँ, तो इसमें यहाँ तक आ गया, फिर मैंने यहाँ से एलसीएम ले लिया, अब एलसीएम में प्रॉब्लम क्या है, ये माइनस आ रहा है तो माइनस को प्लस कर दिया, लेकिन वन माइनस एन स्क्वायर घुमा दिया, उल्टा कर दिया, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ से फिर एच निकाल लिया, मार्क कर लो आंसर क्या आ रहा है। ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है 11th, ये सब्जेक्टिव शीट के अंदर भी था, मुझे अच्छे से याद है, एनसीईआरटी की शीट मैंने होमवर्क दिया था, उसका क्वेश्चन था कि स्पीड ऑफ द अर्थ रोटेशन अबाउट इट एक्सिस इज ओमेगा, इट स्पीड इज इंक्रीज टू एक्स टाइम्स टू मेक द अफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पे जीरो। वो कह रहा है कि इक्वेटर के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये फॉर्मूला, इक्वेटर के ऊपर जी क्या करना है, जीरो, जीरो करके ओमेगा निकाल देना, और पहले ओमेगा कितना था, पहले ओमेगा 2π/24 आर के हिसाब से इतना था, तो कह रहे हैं कि ये एक्स टाइम्स हो गया, तो ये जो ओमेगा है वो इससे पहले वाले से एक्स टाइम्स हो गया, तो इन्हें डिवाइड कर लो, डिवाइड करके जो रेशियो आएगी वही एक्स है,
तो इसका 17 आंसर है 17 सब्जेक्टिव शीट के अंदर चेक करो, 17 ही आंसर था। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि करना कैसे है, सब्जेक्टिव शीट की अंदर सेम क्वेश्चन करके भी दिखाया था, ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है यहाँ तक, तो एक बार इक्वेटर के हिसाब से ओमेगा निकाल लो, जी को जीरो पुट करके, और एक बार ओरिजिनल निकाल लो, दोनों की रेशियो ले लो, रेशियो निकाल लो। ठीक, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 × 11.2। 11.2 वेलोसिटी क्या होती है? एस्केप, चार गुना ज्यादा। अब तो नाती वापस, अब तो गई इन्फिनिटी पे पक्का। तो क्या निकालना है? वेलोसिटी बताओ कितनी होगी जब एस्केप कर जाएगी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो क्या लगेगा? एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहाँ पे वेलोसिटी मुझे पता है 4 × एस्केप है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितनी है सरफेस के ऊपर? -gmm/r। और काइनेटिक कितनी है? 1/2 × 4 × एस्केप का स्क्वायर। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या है? जीरो। और काइनेटिक ये भी निकाल लो, वी डैश कितना होगा, आंसर तक निकालो, आंसर क्या आएगा, आंसर मार्क करो। एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेट करो, स्क्वेयर करो, एस्केप का फॉर्मूला पुट करो और सिंप्लीफाई करके देखो आंसर क्या आ रहा है। लंबी कैलकुलेशन मत कर लेना, देखो सिंप्लीफाई करते करते ये टर्म आई, सिंप्लीफाई करते करते ये टर्म आ गई, इसको सिंप्लीफाई करके ये टर्म आ गई, सबको यहाँ तक आ गया। तो वी डैश की वैल्यू ध्यान से करना, √gm/r के साथ 2 को ले जाओ, फिर अंडर रूट जब लोगे तो इसको अलग अंडर रूट करना, बाकियों का अलग करना। अब ये वेलोसिटी को एस्केप बोलते हैं, सीधा 11.2 पुट कर दो, नहीं तो लंबे रास्ते से फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये बेस्ट तरीका है, अंडर रूट लेने पे ये एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी 11.2 आंसर, √15 × 11.2 इज द आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट ए अराउंड द सन इज 8 times दैट ऑफ बी। तो एक चक्कर ए काटता है तो टी ए, और बी काटता है तो टी बी, और ये रिलेशन आपको गिवन है। वो कह रहा है कि इस क्वेश्चन में द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सन इज हाउ मेनी टाइम ग्रेटर देन दैट ऑफ बी फ्रॉम द सन। तो आपको आर ए और आर बी निकालना है, तो ए प्लैनेट आर ए डिस्टेंस में घूम रहे हैं, बी प्लैनेट आर बी डिस्टेंस में घूम रहे हैं। टाइम पीरियड और रेडियस में ए की फॉर्मूला है केपलर थर्ड लॉ, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ए के लिए, बी के लिए इन्हें डिवाइड कर दो, डिवाइड करके आर ए बाई आर बी एक तरफ, 3 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2/3। तो मैं टाइम पीरियड की रेशियो पता है यहाँ से 8 है, 8 raised to power 2/3 कितना होता है? 4, आंसर 4। आपको रेडियस की रेशियो निकालनी है क्या है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? केपलर थर्ड लॉ, टाइम पीरियड और रेडियस का एक ही फॉर्मूला है,
मतलब बेसिकली तुम्हें ये रेशियो गिवन है और तुम्हें ये रेशियो निकालनी है, सिंपल ये क्वेश्चन है। ठीक है यहाँ तक? ठीक, ठीक। तो मेथड क्लियर है सबको, कैसे करना है? और ये तो सॉल्व करना आता है ना, 8 की पावर 2/3 है, तो कैसे करना है? क्यूब रूट लेना है और पहले स्क्वायर करके क्यूब रूट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटेलाइट विथ काइनेटिक एनर्जी क्या है? ई। एक सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी ई है, और वो किस में घूम रहा है? ऑर्बिट में घूम रहा है, काइनेटिक एनर्जी ई है। कितनी एडिशनल काइनेटिक एनर्जी दी जाए ताकि वो एस्केप हो जाए? अच्छा, 14th है क्या? चलो पहले ये कर लो, अब पढ़ दिया तो ये पढ़ दो या ये कर दो इस बार, इसमें क्या आंसर होगा ये देखो। कुछ करना ही नहीं, बस ये बताओ मुझे इसकी काइनेटिक कितनी है गिवन ई ई। अब ये बताओ कि टोटल एनर्जी क्या होगी माइनस ऑफ काइनेटिक, तो टोटल कितनी है? माइनस ई। अगर मैंने इसको एस्केप दे दी तो नेट एनर्जी का सम क्या आएगा टोटल का? जीरो। तो अभी टोटल कितनी है? माइनस ई। तो बोलो एडिशनल क्या दूं कि आंसर जीरो आ जाए? प्लस ई। प्लस ई मार्क कर दो, आंसर हो गया, करना ही नहीं कुछ। टोटल निकाला करो, कभी भी इस टाइप की क्वेश्चन निकालने हैं टोटल निकाल लो, और टोटल में से जो टोटल एनर्जी अगर माइनस ई है तो क्या दें कि जीरो हो जाए? ई। आंसर ई। क्लियर है यहां तक? 15th 14th क्वेश्चन कह रहे रेडियस इन किलोमीटर्स, ताकि प्रेजेंट रेडियस अर्थ का हम कंप्रेस कर दें, चेंज कर दें, रेडियस चेंज कर दें ताकि एस्केप वेलोसिटी 10 गुना ज्यादा हो जाए। रेडियस जब कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ती है, तो यानी कि मैं क्या चाहता हूं, नई एस्केप 10 गुना पुरानी एस्केप हो जाए। पुरानी एस्केप का रेडियस क्या है? कैपिटल आर। नई एस्केप का रेडियस क्या है? आर डैश। कर लो स्क्वेयरिंग, आंसर आ जाएगा, आर डैश आएगा इन टर्म्स ऑफ आर, और आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर गिवन ही है, यहां से सॉल्व करके आंसर आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें? एस्केप वेलोसिटी 10 गुना ज्यादा करनी है आंसर। जैसे 16th क्वेश्चन है, टाइम पीरियड ऑफ अ सेटेलाइट ऑफ द अर्थ इज 5 आवर, कैपिटल T1 कितना है? 5 आवर। इफ सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड सेटेलाइट इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स, तो यानी कि पहले रेडियस R1 है, अब रेडियस 4 × R1 है, क्योंकि R2 क्या कर दिया? 4 टाइम बढ़ा दिया। तो पहले टाइम पीरियड T1 है, रेडियस R1 है, अब T2 है, रेडियस R2 है, कैपलर लॉ लगाया, डिवाइड किया, तो ये टर्म आ गई। पहले रेडियस R1 है, अब रेडियस 4 टाइम्स है, तो इसकी रेशियो क्या आएगी? 1:4। पहले टाइम पीरियड T1 कितना गिवन है? 5, तो T2 निकालना है, T2 निकाल लेना आंसर, डिवाइड किया यहां, इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट कट गया ना, कट जाएगा। दो प्रोपोर्शनैलिटी की टर्म को डिवाइड कर सकते हैं ना, इक्वल टू में आ जाती है। ठीक है ना? तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। T2 प्रोपोर्शनल टू R3 कैसे लगेगा? तो टाइम पीरियड की वैल्यू इसमें T1 गिवन होगी और T2 निकालना होगा, और रेडियस भी तुम्हें रिलेशन रेडियस का इसमें गिवन ही होगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 17th क्वेश्चन में तुम कंफ्यूज हो सकते हो रेडियस में। क्वेश्चन ये है कि मीन रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल R, ये लो अर्थ का कहता रेडियस कितना है स्फेयर का? कैपिटल आर। वो अपने एक्सिस पे घूम रही है, लो अपने एक्सिस पे घूम रही है। क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट विल बी इक्वल टू, वो कह रहा है कि इसके आसपास, अर्थ के आसपास एक जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट पास होती है कि दूर होती है? ओ, 36,000 किलोमीटर कब से पास हो गए? मुझे भी ले चलो,
मैं भी देख के आऊँगा क्या होता है। 36,000 है किलोमीटर, बहुत दूर, बहुत दूर है। तो गलती से कैपिटल आर मत लगा देना, स्मॉल आर, यही तो गेम है आर की। तुम लगाओगे ऑर्बिटल में अंडर रूट ऑफ जी एम बाई कैपिटल आर, लेकिन लगना क्या चाहिए, अंडर रूट ऑफ जी एम बाई स्मॉल आर। तो यानी कि वो स्मॉल आर रेडियस में घूम रही है और तुम्हें स्मॉल आर ही निकालना है। क्या है स्मॉल आर निकालना है, यही तो पूछ रहा है, उसका रेडियस क्या है, डिस्टेंस क्या है उसका। कैपिटल आर अगर तुम पास करोगे तो कैपिटल आर बोल दोगे, दूर है, स्मॉल आर निकालना है। तो अब इसमें जो वेलोसिटी है ऑर्बिटल, इसका फॉर्मूला एक और तरीका निकालने का, क्या, आर ओमेगा, क्योंकि अर्थ का तुम्हें ओमेगा गिवन है, अर्थ का ओमेगा और सेटेलाइट का ओमेगा तो बराबर हो गया क्योंकि सेम रोटेशन है, एक जैसी घूम रही है, तो यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी लग सकती है। तो देखो क्वेश्चन हो गया, ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या लगेगा, अंडर रूट ऑफ जी एम बाई छोटा आर, छोटा आर, क्योंकि ऑर्बिटल में छोटा आर, डिस्टेंस दूर है, और यहाँ पे कैपिटल जी एम की जगह स्मॉल जी बड़ा आर स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, छोटा आर नहीं, कैपिटल जी एम तो अर्थ के लिए लगता है और अर्थ का कैपिटल जी एम तो हमेशा स्मॉल जी कैपिटल आर स्क्वायर ही होता है। ये स्टेप समझ में आ रहा है, यहाँ स्मॉल आर मत कर देना, कैपिटल जी एम इज ऑलवेज इक्वल टू स्मॉल जी इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। तो वी नॉट की जगह आर टाइम्स ओमेगा, तो अब निकाल लेना, अब आएगा स्मॉल आर का फॉर्मूला, ये है आंसर, नहीं तो नहीं आएगा, मतलब ये ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, बना उलझ सकता है, इसमें स्मॉल आर कैपिटल आर में कंफ्यूजन हो सकती है। कैपिटल आर वो लेके आया कैपिटल जी एम से और स्मॉल आर तो उसका एक्चुअल रेडियस है सेटेलाइट का। ठीक है यहाँ तक मेथड समझ में आ रहा है कि क्या किया इसमें। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एप्लीकेबल फॉर, ओ ये तो डी है, सॉरी सी नहीं है, डी है, डी है, लग रहा है टिक ऊपर लग गया, ऑल बॉडीज है प्लीज। और 19th होमवर्क लेना, 20th रिपीट है, किया हुआ है 3.5 वाला क्वेश्चन आज। 21, इनफाइनाइट मासेज हैं 3-3 kg के, और कहाँ पे रखे जा रहे हैं, 1 मीटर पे, 2 मीटर पे, 4 मीटर पे, 8 मीटर पे, और इनफाइनाइट तक रखते जा रहे हैं। आपको ई निकालना है, कहाँ पे लिख लेना, मेंशन नहीं है, ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो ओरिजिन पे, ओरिजिन पे ई निकालना है, ये क्वेश्चन है। तो अगर आपको इसके ओरिजिन पे ई निकालना है तो जहाँ ई निकालना है वहाँ मास क्या रखेंगे, 1, पड़ोस का मास 3 kg इसे अपनी तरफ ई लगाएगा, ये वाला मास इसकी तरफ ई लगाएगा, ये वाला मास इसकी तरफ ई लगाएगा, तो यहाँ से ऐड करके नेट ई की वैल्यू निकालनी है, सारे वेक्टर एक तरफ हैं। तो पहला 3 kg क्या ई लगाएगा, जी 3/1 का स्क्वायर, दूसरा क्या लगाएगा, जी 3/2 का स्क्वायर, 3 जी 3/4 का स्क्वायर, इनफाइनाइट, जी इंटू 3 बाहर आ गया, मैथ्स में जी पी होगी, होगी इनफाइनाइट जी पी। तो मेडिकल के लोग सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, रेशियो सेम आ रही है आर, ये जीपी की फर्स्ट टर्म है, तो इनफाइनाइट जीपी का जो सम है मैथ्स में वो a/1 - r है, वेर a का मतलब फर्स्ट टर्म, तो a की जगह 1 और r का मतलब रेशियो, सॉल्व करेंगे तो आंसर मार करके ये आंसर आएगा। तो a/1 - r इसका फॉर्मूला याद करना है, क्लियर है यहाँ तक, असाइनमेंट दे रहा। तो होमवर्क आपका क्या है सुन लो, इस शीट के बचे हुए क्वेश्चन, इस शीट के बचे हुए क्वेश्चन, 46 शीट कंप्लीट, 46 नंबर शीट कंप्लीट, और सब्जेक्टिव में 46 और 47, यही था, चेक करना, चेक कर लो, 48, 48, 49, ठीक है, 48, 49 सब्जेक्टिव है और 46 ऑब्जेक्टिव है, ये आपने करके लाने हैं, इसके डाउट होने हैं अगली बार।